हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिम चीगु। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले एकदम रुई जैसे सॉफ्ट और एकदम मुंह में जाके घुलने वाले रसगुल्ला, तो इसकी रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ और ये होली स्पेशल है, तो आप होली पे इसको बना सकते हो। तो चलो आज इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये एकदम सॉफ्ट वाले बनेंगे और ये मैं खोया यानी कि पनीर से बनाने वाली हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे खोया बनाया नहीं है घर पे, यहाँ पे मेरे पास रेडीमेड ये पनीर पड़ा था, तो ये पनीर से ही मैं आज बना दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम पनीर पड़ा हुआ था, अभी इसका यूज़ हो नहीं रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं रसगुल्ला ही बना दूँ। तो ये होली में आप इजीली बना सकते हो। ये मैंने मार्केट से लिया हुआ पनीर है, अगर आप चाहो तो दूध को फाड़ के भी इस तरीके से बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। इसे ग्रेट करने से क्या होगा कि इसकी हम अच्छे से गोले बना पाएंगे और इसका अच्छे से हम इसको गूंद भी पाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से सारे पनीर को कद्दूकस कर लिया है, आप देख सकते हो ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो इसको सबसे पहले मैं इकट्ठा करके इस तरीके से कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मैदा। मैं यहाँ पे अभी मैदे का यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप फराली के बना रहे हो तो आप यहाँ पे वो जो आता है तपकीर या तो फिर सिंगोड़ा का आटा, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो ये एकदम आप फराल में भी खा सकते हो। तो अभी तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो इस तरीके से इसको अच्छे से हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से कर लेंगे, ताकि क्या होगा कि एकदम सॉफ्ट डो बन के रेडी हो जाएगा। जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से इसको हमें कंटिन्यूस ऐसे करना है। आप देख सकते हो इस तरीके का हो गया है। तो अभी इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली, यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी, यानी आप नाप के हिसाब से देखो तो 220 ग्राम चीनी मैंने यहाँ पे ली है। इसमें मैं 3.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ में मैंने 3 कप फूल और थोड़ा उसके ऊपर पानी 1/4 कप जितना डाला हुआ है। जितनी हमें चाशनी बनानी है उस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से, जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो जाए तब तक हम इसको कंटिन्यूस चला लेंगे। तो सबसे पहले हमें यही प्रोसेस करना है। तो चीनी जब हमारी मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे इलायची, जिससे क्या होगा कि इलायची का फ्लेवर भी हमारे रसगुल्ला में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अभी यहाँ पे इस टाइम पे हम ऐड कर देंगे 3 से 4 छोटी इलायची, जिससे इसमें फ्लेवर आ जाएगा। और इसको अभी हम उबलने के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे। यहाँ पे अभी हम, ये उबल रहा है धीमी आंच पे, तब तक हम यहाँ पे इसके अच्छे से इसको वापिस से मिक्स करके इसके अच्छे से गोले बना लेंगे सॉफ्ट हैंड से। और हाँ दोस्तों, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आप मेरे वीडियो, सारे नए वाले वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सेम साइज के बना लूंगी इस तरीके के गोले या बॉल्स की तरह। तो अभी हमें यही करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको, आपके मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अभी इस तरीके से मैंने सारे लड्डू की तरह इस तरीके से गोले बना लिए हैं। ये काफी सॉफ्ट होता है तो इसको ज्यादा हमें प्रेस नहीं करना होता है, एकदम हल्के हाथ से आप इसे करोगे तो अच्छे से एकदम ये इस तरीके के लड्डू जैसे गोले बन के रेडी हो जाएंगे। और इसमें क्रैक नहीं रहना चाहिए बिल्कुल, वरना आपके रसगुल्ले चाशनी में ही टूट जाएंगे। तो आपको ये बात का, इस स्टेप का खास ध्यान रखना है। तो देखा दोस्तों, 200 ग्राम पनीर में से काफी सारे रसगुल्ला बनके रेडी हो गए, जो मार्केट में बहुत ही महंगे मिलते हैं और घर पे आप आसानी से बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने सारे इस तरीके के बॉल्स बना के रेडी कर लिए। तो अब चलो देख लेते हैं कि हमारी चाशनी बन गई है कि नहीं। तो अभी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो एकदम उबल के परफेक्ट हो गई है जैसी हमें चाहिए। तो इस टाइम पे हम ये चाशनी में हमारी ये बॉल्स
पनीर के ऐड कर देंगे। इसको ध्यान से ऐड करना है एक एक ही, क्योंकि अच्छे से इसमें ऐड हो जाए और ये बीच से टूट भी ना जाए। तो इस तरीके के सारे बॉल्स जो हमने बनाए रसगुल्ला के वो अंदर ऐड कर देंगे। अभी इसको ढक के वापस से हम 4 से 5 मिनट के लिए पका देंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखनी है। यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पे ही रखा हुआ है, आप देख सकते हो इसकी साइज काफी बड़ी हो गई है, जिससे हमारे बॉल्स थे वो छोटे थे और अभी आप देख सकते हो कि ये इतनी बड़ी साइज के हो गए है। अभी इसको बीच में हम चला लेंगे और वापिस से इसको ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे। गैस की फ्लेम अभी भी मैंने हाई रखी है, तो अभी आप देख सकते हो कि अभी ये बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अभी इसकी साइज भी बहुत ही बड़ी हो गई है और ये एकदम परफेक्ट हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एकदम सॉफ्ट मुंह में घुलने वाले पनीर के हमारे रसगुल्ले रेडी हो गए हैं। तो इसको अभी हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हल्का ठंडा होने देंगे। अभी इसको हम एक बॉल में सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे सारा हम बॉल में डाल देंगे और इसको एकदम हम बाहर ही पहले ठंडा होने देंगे, और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको हम रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने देंगे, एकदम चिल होने देंगे। इसके बाद ही हम इसको खाएंगे, क्योंकि आप देखते हो मार्केट में एकदम चिल वाले ही रसगुल्ले मिलते हैं और वही ठंडे ही खाए जाते हैं। तो इसको हमें एकदम ठंडे होने देना है। तो देखा दोस्तों, इसको बनने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और 10 से 15 मिनट में हमारे इतने अच्छे रसगुल्ले घर पे बनके रेडी हो गए, वो भी काफी सारे जो मार्केट में बहुत ही महंगे मिलते हैं और घर पे आसानी से, अगर आपके घर फेस्टिवल वेस्टिवल में या तो फिर आप कोई भी गेस्ट वगैरह आ जाए तो इजीली बना सकते हो। तो इस तरीके से ऊपर से हम थोड़ी सी हमारी चाशनी भी ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, इस होली पे आप भी जरूर से बनाइएगा ऐसे रसगुल्ले स्वीट में। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आप मेरी नई नई रेसिपी देख सकते हो, और बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा ताकि सबसे पहले आप मेरी रेसिपी देख सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो ये गर्म है, इसको अभी हम बाहर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हो ये एकदम सॉफ्ट वाले स्पॉन्जी रसगुल्ला बनके रेडी हो गए हैं। तो चलो दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।